केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, केजरीवाल मुर्दाबाद, सुबह से लगा रहे हैं जी, हाँ लास्ट दो नारे जोर से लगाना, केजरीवाल हाय हाय, 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 केजरीवाल हाय हाय। अभी विधानसभा में हर चौक से जो धरना प्रदर्शन था, आगे शीला जी के नेतृत्व में जो भी धरना प्रदर्शन और होगा, अब केजरीवाल सरकार को जब तक लाभ नहीं बचेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और सीमांचल विधानसभा के आए तमाम प्रमुख अध्यक्षों, अग्रिम संगठनों के अध्यक्षों, कार्यकर्ताओं और सुझारू नेताओं का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने यहाँ भारी संख्या में पहुँच कर केजरीवाल सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। ले लेता हूँ बाइक, है ना, बाइक ले लेता हूँ। मंगल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का 70 की 70 विधानसभाओं में जो जन आक्रोश जो आज निकाला जा रहा है दिल्ली सरकार के खिलाफ, यानी कि केजरीवाल की सरकार के खिलाफ, जानते हैं किस तरीके से जन आक्रोश जो है सड़कों पर उतर चुका है और केजरीवाल की इन चीज़ों की मांग की जा रही है। सर ये बताइए, जन आक्रोश धरना प्रदर्शन जो 70 विधानसभाओं में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने करा है, किस तरीके से आप केजरीवाल को जगाना चाहते हैं? देखिए, जो केजरीवाल ने 70 वादे और 77 झूठ दिल्ली में बोला है, उसका पर्दाफाश करने के लिए अब कांग्रेस शीला जी के नेतृत्व में सड़कों पर है। तमाम दिल्ली के अंदर सभी जितने भी हमारे 70 विधानसभाएं हैं, 70 की 70 में जो है आज ये धरना प्रदर्शन है। इसी के तहत हम आज लोग सुबह 9:30 बजे से और अब तक ये धरना प्रदर्शन जो है कर रहे थे, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने जो सबसे बड़ा झूठ बोला है बिजली के ऊपर बोला, वो कहता मैंने बिजली सस्ती कर दी, लेकिन जब शीला सरकार जो बिल 2 महीने में देती थी, केजरीवाल वही बिल 1 महीने में देता है। और जो पानी फ्री की बात कर रहा है कि पानी ना जो है किसी भी क्षेत्र के अंदर पानी जब आ ही नहीं रहा है तो पानी अपने आप ही फ्री है, पानी गंदा आ रहा है, पानी बिल्कुल निम्न स्तर का पानी है, लोग पानी पी पी के बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में एडमिट हो रहे हैं। तो केजरीवाल ने सिर्फ वादे किए हैं, कभी वादे झूठे वादे 70 वादे जो कि एक भी वादा पूरा नहीं किया, 500 स्कूल खोलने की बात थी एक भी नहीं की, अब बसों में फ्री की बात कर रहा है तो 1500 बसें वैसे कम हो गई, मेट्रो में फ्री की बात कर रहा है तो मेट्रो में यदि फ्री करना चाहता है सीधा महिलाओं के खाते में पैसा जमा कराओ। आप जो है ये क्या ढोंग और तमाशा कर रहे हो? इसी ढोंग तमाशे के विरोध में, इसके झूठे वादों के विरोध में आज तिमारपुर विधानसभा के समस्त कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे अपना विरोध प्रकट किया है और केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंकने तक ये विरोध जारी रहेगा। क्या आपको लगता है इस जन आक्रोश प्रदर्शन से केजरीवाल सरकार जागेगी या फिर कोई अहम कदम जो कांग्रेस? बिल्कुल, उसको जागना पड़ेगा और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जो है अभी, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे रहे, इनकी जमानत जब्त हुई है। जमानत हम ये देखना चाहते हैं कि जो 50-100 लोगों ने वोट दिया था क्षेत्र के अंदर, वो 50-100 लोग भी ना दें, क्योंकि निकम्मी और घटिया सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकना ही हमारा लक्ष्य है और ताकि एक अच्छी सरकार बने, शीला जी के नेतृत्व में सरकार बने और दिल्ली का विकास जो रुका हुआ है, जो ठप हो गया है, वो फिर से शुरू हो जाए, इसलिए हम इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। एक सवाल खड़ा होता है कि लोकसभा के जब चुनाव परिणाम आए उसके बाद केजरीवाल ने एक नारा दिया कि केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल, क्या लगता है कि दोबारा से 65+ या 60+ सीटें या बहुमत की सरकार केजरीवाल? देखिए, देश को मोदी ने बर्बाद कर दिया और दिल्ली को केजरीवाल ने।
अब जो एक गलती हो चुकी है उसके दिल्ली के लोग दोबारा दोहराना नहीं चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली में कानून व्यवस्था सब ठप हो गई है, बिजली पानी जो है वो कहीं नहीं मिल रहा है, यातायात की बुरी हालत है, स्कूलों की बुरी हालत है, खाली स्कूलों पर पेंट सफेदी करके दो कमरे बना के थोड़ी 500 स्कूल खोलने की बात की थी, अब कहता है कि LG मुझे नहीं खोलने दे रहा, मोदी नहीं खोलने दे रहा। अरे जब तुझे खोलने ही नहीं दे रहे थे तो तूने झूठे वादे क्यों किए थे? कहता मेरे पास लैंड नहीं है, क्या पहले नहीं पता था केजरीवाल को? एक भी स्कूल दिल्ली में नहीं खुला, एक भी कॉलेज नहीं खुला, एक भी इंस्टीट्यूट नहीं खुला है, और एक भी नया पुल, एक भी नई मेट्रो, एक भी नया कोई भी पानी का काम और कोई भी काम जो है दिल्ली के अंदर एक भी नहीं हुआ। वाईफाई की तरह सारे वादे हवाई हो गए हैं। केजरीवाल के खिलाफ जो प्रदर्शन था वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की नींद तोड़ने के लिए काफ़ी है। और जो केजरीवाल का कहना है चुनाव परिणामों के बाद लोकसभा के, कि केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की समस्या दिल्ली में चलती रही तो कहीं ना कहीं इस सरकार का जाना तय होगा, और बहुमत से आने की तो बात दूर। दिल्ली सरकार की, जो केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी, उसकी जमानत जब्त होते हुए देखी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दिल्ली में उसकी 5 सीटों पर वो तीसरे नंबर पर जिस तरीके से रही वो काफ़ी निराशाजनक था। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो दूसरे नंबर पर रहकर दिल्ली में संजीवनी मिली है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी। और इस तरीके से जो कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस लोगों के बीच में जाकर दोबारा अपनी एक जगह बना रही है। धन्यवाद।